हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। और दोस्तों, आज का जो यह अपडेट है यह संबंधित है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्य जीवन संस्थान। जी हाँ, यहाँ पर अभी रिसर्च पर्सनल के कुछ रिक्रूटमेंट होने हैं, तो आज की जो यह वीडियो है यह इसी पर संबंधित है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि जो रिक्रूटमेंट ऑफ रिसर्च पर्सनल द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII इज अ प्रीमियर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द इंस्टीट्यूट इन्वाइट्स अप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग रिसर्च पोजिशन थ्रू अ रिटन टेस्ट फॉलोड बाई इंटरव्यू। मतलब अगर आपको इन पोस्टों के लिए एप्लीकेबल होना है तो आपको एक रिटर्न टेस्ट देना होगा, उसके बाद इंटरव्यू देना होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आप UGC, CSIR, NET या GATE क्वालिफाइड हैं तो आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो अब मैं आपको बता दूं ये टोटल कितनी पोस्ट हैं। तो आप जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे कुल मिला के 24 पोस्टें हैं, जिसमें आपका जो सबसे पहले दो पोस्ट हैं इकोलॉजी में सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, जिसके लिए अपर एज लिमिट 35 साल रखी गई है, मंथली फेलोशिप मिलेगी ₹35,000 प्लस HRA। इसी तरीके से 8 JRF की पोस्ट हैं, जूनियर रिसर्च फेलो, 28 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है और 31,000 मंथली फेलोशिप है। इसके बाद जूनियर रिसर्च फेलो इकोलॉजी 4 पोस्ट हैं, 28 साल एज है, 31,000 प्लस HRA मिलेगा। फिर हम बात कर लेते हैं जूनियर रिसर्च फेलो इकोलॉजी प्लस हर्पिटोलॉजी, एक पोस्ट है, 28 साल, ₹31,000 प्लस HRA मिलेगा। ऐसी स्टैटिस्टिक्स में जूनियर रिसर्च फेलो एक पोस्ट है, 28 साल, ₹31,000 प्लस HRA। फॉरेंसिक रिसर्च प्रोजेक्ट फेलो इकोलॉजी, रिसर्च असिस्टेंट और प्रोजेक्ट असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट में एक एक पोस्ट है, जिनकी जो एज लिमिट है स्टैटिक्स JRF की 28 साल है, फॉरेंसिक रिसर्चर 30 साल है, प्रोजेक्ट फेलो आपका 35 साल है, जिसमें आपको आपकी स्क्रीन पर मंथली फेलोशिप भी दिखाई दे रही होगी। और लास्ट में जो आपकी 5 पोस्ट हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, जिसकी अपर एज लिमिट है 28 साल और यहाँ पर मिलेगा ₹20,000 मंथली फेलोशिप प्लस HRA। यहाँ पर दिया हुआ है कि अपर एज लिमिट में भी रिलैक्स अप टू 5 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC वुमेन फिजिकली चैलेंज कैटेगरी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। अब यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर अभी यह देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट कब तक है, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो कैसे होगा, तो वो हम वीडियो के अभी अगले हिस्से में देखेंगे। तब तक यदि दोस्तों, अगर आपने गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुजी उत्तराखंडी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं आपको वो अगला जो नोटिफिकेशन है इनका जो आगे मैं बता रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि यह आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कि ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। आप केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको वेबसाइट पर मिलेगा वो 13 फरवरी 2020 तक आप ऑनलाइन अपना अपलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम दोस्तों होगा 23 फरवरी 2020 को आपके सेंटर्स पे। मैं आपको सेंटर्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। कोई भी इसके अलावा, ऑनलाइन के अलावा यहाँ पर कोई भी आपका एप्लीकेशन मोड एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं, आपको जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपका जो बायोडाटा है, पर्सनल डिटेल्स है, वो सारी चीजें भरनी है। यहाँ पर वो नोट फिर से लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड UGC, CSIR, NET, JRF फेलोशिप एग्जाम एंड हैव एन एक्टिव फेलोशिप पीरियड मे बी अलाउडेड टू डायरेक्टली अपीयर फॉर द इंटरव्यू ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट। तो आपको वहां पर डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस एग्जाम इज डीम्ड टू बी सोलली ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर इन लियू ऑफ द एग्जाम कंडक्टेड बाई WII। The merit and aptitude of these students will be decided based on the interview. आपको इंटरव्यू में देखना होगा। अब यह रिटर्न जो आपका टेस्ट है यह कैसा होगा? यह एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा 90 मार्क्स का, जिसमें आपका MCQs आएंगे और कुछ ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या होगा? जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड और मेथड्स 20 नंबर का होगा, सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका पर्टिकुलरली सिलेबस है उसमें 20 नंबर का होगा, और एक ऐसे आपको दिया जाएगा वो केवल 10 मार्क्स का होगा। तो आपका जो टोटल 50 मार्क्स का है वो 20 20 10 के हिस्से में ऐसे बांट दिया जाएगा। फीस एक बार अगर आपने पे कर दी है तो आपको रिफंड नहीं होगी, बाकी आपके नॉर्मल यहाँ पे सारी चीजें हैं, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है ईच एप्लीकेंट विल बी अलाउडेड टू अप्लाई फॉर नॉट मोर देन 2 प्रोजेक्ट। 2 प्रोजेक्ट से ज्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे। अब बात करते हैं पेमेंट की।
जो फीस वगैरह है, आपको जो यहाँ पर फीस देनी है दोस्तों, वह देनी है ₹500 नॉन रिफंडेबल, जिसमें ₹45 सर्विस चार्ज लगेगा ऑनलाइन पेमेंट का। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पर देना होगा ₹545 मात्र। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो एग्जामिनेशन सेंटर देखिए, बेंगलोर, भोपाल, लखनऊ, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पर हम सारी चीजें देख सकते हैं। अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस में आपका तीन पार्ट होंगे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड मेथोडोलॉजी, सब्जेक्ट नॉलेज ऑन द सिलेबस ऑफ मास्टर कोर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंस, बॉटनी, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, बायो डायवर्सिटी कन्वर्जन कंजर्वेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टेटिस्टिक्स, एंथ्रोपनोलॉजी, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, एनिमल जेनेटिक्स एंड ऐसे ऑन कंजर्वेशन इशूज। तो ये आपका सिलेबस। अब मैं आपको इसके डिटेल बताता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया, जो फॉरेंसिक रिसर्चर की एक पोस्ट है, उसका 1 साल का ड्यूरेशन है, ₹31,000 प्लस HRA मिलेगा। जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड कंजर्वेशन जेनेटिक सेल। यहाँ पर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह है आपकी MSc इन वाइल्ड लाइफ साइंस, फॉरेंसिक साइंस, जियोलॉजी, MVSc एनाटोमी, और डिस्क्रिप्शन वर्क आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो दूसरा प्रोजेक्ट है जो है कनेक्टिंग द डॉट्स फाइंडिंग डिस्पर्सल कॉरिडोर्स फॉर टाइगर्स इन काजीरंगा। प्रोजेक्ट फेलो इकोलॉजी एक चाहिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एक चाहिए। दो जो प्रोजेक्ट फेलो इकोलॉजी है 3 साल के लिए है, ₹25,000 प्लस HRA मिलेगा। उसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री इन वाइल्ड लाइफ साइंस, बॉटनी, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस और मैनेजमेंट, बायोडायवर्सिटी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट एक पोस्ट है 3 साल के लिए, ₹20,000 प्लस HRA, मास्टर डिग्री इन वाइल्ड लाइफ साइंस, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और मैनेजमेंट विद मिनिमम 60 डिग्री एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद अब हम फिर आगे बात करते हैं आपका जो अगला प्रोजेक्ट है, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज इन वेट ग्रासलैंड्स ऑफ काजीरंगा टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट असिस्टेंट एक 2 साल के लिए ₹20,000 प्लस HRA मिलेगा। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ साइंस में, बॉटनी में, फॉरेस्ट्री में, लाइफ साइंस में, और भी आप अपनी स्क्रीन पर सारी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला है जूनियर रिसर्च फेलो एक पोस्ट है 1 साल के लिए, ₹31,000 प्लस HRA, MSc डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम जूनियर रिसर्च फेलो एक पोस्ट के लिए 1 साल ₹31,000 प्लस HRA, मास्टर डिग्री इन वाइल्ड लाइफ साइंस, इकोलॉजिकल साइंस, जियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% एग्रीगेट। प्रोजेक्ट असिस्टेंट चाहिए 1 साल के लिए, ₹20,000 प्लस HRA मिलेगा, और मास्टर्स डिग्री इन वाइल्ड लाइफ साइंस, इकोलॉजिकल साइंस, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स। तो यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हैं। यह जो प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट है दोस्तों आपका माउंटेन अनलेडर एंड देयर हैबिटेट्स इन केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रीअप्रेजल। ठीक है, आप यहाँ पे सारी चीजें उसके बाद देख सकते हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगले प्रोजेक्ट की हम बात कर लेते हैं, Assessing fine scale distribution pattern, population and habitat status of northern swamp deer. इसमें junior research fellow एक post है, 3 साल के लिए ₹31,000 plus HRA मिलेगा, master's degree in life science, wildlife science, forestry, biodiversity conservation, ecology, biological science from a recognized university with at least 6 months of research experience in the field of wildlife science. ये आप देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है दोस्तों। अगला प्रोजेक्ट है आपका मॉनिटरिंग कॉमन बर्ड्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। जूनियर रिसर्च फेलो एक चाहिए, 3 साल के लिए ₹31,000 प्लस HRA, इसेंशियल क्वालिफिकेशन फिर से वही, मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंस, वाइल्ड लाइफ साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड रिलेटेड फील्ड विद 60% एग्रीगेट मार्क्स एंड अबव फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब हम चल लेते हैं अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है, एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, JRF चाहिए, 1 साल के लिए ₹31,000 प्लस HRA, 3 साल के लिए सॉरी, एक पोस्ट है केवल। और बात करते हैं यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन वाइल्ड लाइफ साइंस, बॉटनी, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टेटिस्टिक्स, एंथ्रोपनोलॉजी विद अ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब हम बात कर लेते हैं जो अगला प्रोजेक्ट है, जूनियर रिसर्च फेलो एक चाहिए, 1 साल के लिए ₹31,000 प्लस HRA, वही आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिर से वही है, मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजी, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स एंड
मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिक्वायर्ड ऑन बर्ड सर्वे एंड टेक्निक्स। इसके बाद जो अगला है हमारा रिसर्च असिस्टेंट, एक एक साल के लिए ₹22,000 कंसोलिडेटेड मिलेगा, कोई एचआरए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजी, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, वाइल्ड लाइफ साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। तो आप अपने साथ में यहाँ पे स्क्रीन पर देखते रहे डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, और वैसे मैंने योर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आप जेआरएफ इकोलॉजिस्ट की 3 पोस्ट हैं, 5 साल के लिए ₹31,000 प्लस एचआरए, वो भी मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है। जेआरएफ स्टेटिस्टिक्स 1 साल के लिए 5 साल का है, ₹31,000 मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स स्टेटिक्स विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो अगला प्रोजेक्ट है, जहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट इकोलॉजी 2 साल के लिए ₹35,000 प्लस एचआरए, मास्टर्स डिग्री वही वाइल्ड लाइफ साइंस, बॉटनी, जियोलॉजी, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपना जेआरएफ इकोलॉजी 1 पोस्ट है, 2 साल के लिए ₹31,000 प्लस एचआरए, यहाँ पे भी सारी चीजें मास्टर्स डिग्री वही है। जेआरएफ 1 साल के लिए वही है, 1 ईयर ₹31,000, सारी चीजें मिलेंगी। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1, जेआरएफ 1 और प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1, 1 साल के लिए, सारी चीजें आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रही होंगी। तो दोस्तों आज का जो यह वीडियो है यह अब यहीं पर समाप्त होता है। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर ऐसे ही अपडेट वीडियोस लाते रहते हैं, तो दोस्तों आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और मुझे आशा है कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।